आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के वकीलों ने अपना काम कर दिया है। पाकिस्तान ने झूठ को सच में साबित करने के लिए यहां भी अपनी सारी चालबाजियां चली, झूठी कहानियां गढ़ी, मगर यह गोरी या गजनवी का दरबार नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जहां इन्वर्टेड कोमा का भी मतलब निकाल लिया जाता है। पाकिस्तान द्वारा भारतीय बिजनेसमैन कुलभूषण जाधव को जासूस साबित करने और बेगुनाहों के रक्त से स्नान करने वाली पाक सेना की अदालत की कार्य प्रणाली को न्यायसंगत ठहराने के लिए जितनी दलीलें दी गई, भारत के विद्वान वकीलों ने उनकी हर बहस में धज्जियां उड़ा दी, जिसके बाद पाकिस्तानी मदरसों की पैदाइश इसके वकीलों की फौज आईसीजी में पिछवाड़ा दिखाकर लौट आई। हालत यह है कि पूरे पाकिस्तान में अब आईसीजी में चले मुकदमे पर विश्लेषण करने का इस्लामाबादी ड्रामा शुरू हो गया है। मतलब हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव का फैसला सुनाने से पहले ही पाकिस्तान अपनी जगहसाई से बचने के लिए रास्ते तलाश रहा है। भारतीय समय अनुसार यह फैसला करीब 6:30 बजे आएगा। इस फैसले पर भारत और पाकिस्तान की निगाहें लगी हैं, लेकिन यहां भारत अधिक चिंतित नहीं है, जबकि पाकिस्तान पहले ही हार मान चुका है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी आईसीजी ने कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस को लेकर साबित हुई, जिससे पाकिस्तान द्वारा जाधव को दिया गया फांसी का फैसला मुगलकालीन साबित ही हुआ, यानी यह एक तरफा फैसला था और पाक की मिलिट्री कोर्ट के इस फैसले में न्याय नहीं होकर क्रूरतापूर्ण कार्रवाई थी। वैसे कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में होगा, फिलहाल इसके बारे में कहना जल्दबाजी होगी, मगर पाकिस्तान को अपनी हार का पूरा डर जरूर है। इस वर्ष 18 से 21 फरवरी तक इस मामले पर आईसीजे कोर्ट में खुली सुनवाई हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से पैरवी वकील हरीश सालवे ने की, वहीं दूसरी तरफ से इस मामले में पाकिस्तान की तरफ से खावर कुरैशी ने पाकिस्तान का पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आईसीजी ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे आज अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के जज जमीर अहमद सुनाएंगे। खास बात यह है कि अगर यह फैसला भारत के पक्ष में आता है तो यह एक बड़ी जीत होगी, मगर इसका एक नकारात्मक पक्ष यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का फैसला मानने के लिए कोई भी देश बाध्य नहीं है। हालांकि इसी वर्ष जनवरी में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा था कि यदि फैसला भारत के पक्ष में आता है तो वह उसको मानने के लिए बाधित है, यानी भारत के साथ अब यह मसला पाकिस्तान के लिए भी संवेदनशील बन चुका है। इसकी वजह यह है कि भारत के साथ जिस प्रकार पाकिस्तान के रिश्ते खराब चल रहे हैं, वह कुलभूषण जाधव को नैया बनाकर उन्हें दुरुस्त करना चाहता है। अब जरा इस मामले को भी पूरी तरह समझ लीजिए। दरअसल पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जाधव को आतंकवाद और जासूसी के आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारत ने उन्हें बचाने के लिए मई 2017 में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का रुख किया था। सितंबर 2017 में भारत ने इस मामले में आईसीजी में लिखित में अपील की थी। भारत ने कोर्ट में पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि कोर्ट के समक्ष पाकिस्तान की तरफ से एक भी पुख्ता सबूत पेश नहीं किया गया। इतना ही नहीं, भारत का कहना था कि पाकिस्तान ने एक बार भी जाधव मामले में काउंसलर एक्सेस नहीं दिया। वहीं पाकिस्तान का कहना था कि क्योंकि यह मामला देश की जासूसी और सुरक्षा से जुड़ा था, इसलिए इसमें इस तरह की सुविधाएं देने का कोई मतलब नहीं होता है। भारत इस मामले में बार बार कहता रहा है कि जाधव को पाकिस्तान के ईरान से गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया था, जबकि पाकिस्तान इसका खंडन करता रहा है। बड़ी बात यह है कि दिसंबर 2017 में ही बलूच नेता हायर बार मारी ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहा था कि कुलभूषण को बलूचिस्तान से नहीं बल्कि ईरान से उनका अपहरण किया गया था। भारत की कोर्ट में दलील थी कि इस मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। कोर्ट में भारत ने जाधव को राजनयिक मदद मुहैया न कराने के मुद्दे को जोर शोर से उछाला है। नवंबर 2017 में पाकिस्तान ने जाधव से उसकी पत्नी और मां को मिलाने की पेशकश की थी, जिसके बाद दिसंबर में भारत ने अपनी मोहर लगाई थी। दिसंबर 2017 के अंतिम सप्ताह में यह मुलाकात हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस मुलाकात से पहले ही भारतीय दूतावास के अधिकारी को रोक दिया। मुलाकात के बाद जाधव की मां और पत्नी ने कहा था कि उनके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे और वे किसी रोबोट की तरह बोल रहे थे। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच में शीशे की दीवार लगी थी। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। दिसंबर 2017 में ही पाकिस्तान ने आईसीजे में कहा कि
कुलभूषण जाधव के पास हुसैन मुबारक पटेल के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट मिला था। अपने हल्फनामे में पाकिस्तान ने कहा कि वह खुफिया जानकारी जुटाने के मकसद से पाकिस्तान में घुसा था। बड़ी बात यह है कि आईसीजी में इसी माह हुई बहस के दौरान भारत ने 2004 के अवीना और दूसरे मैक्सिकन नागरिकों के संदर्भ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का हवाला दिया था। इस मामले में अमेरिका पर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप सिद्ध हुआ था। इस केस में मौत की सजा पाए अपने नागरिकों तक मैक्सिको को राजनयिक पहुंच नहीं दी गई थी। पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते भारत समेत 68 दूसरे देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है, जिसमें कहा गया है कि आईसीजी के अवीना जजमेंट को पूर्ण रूप से और तत्काल लागू किया जाए। भारत ने इसी मामले को उठाते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने जब अमेरिका के मामले में आरोपियों के हक में वोट किया था तो ऐसा अब लागू क्यों नहीं होता है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालतों और उसकी तानाशाही न्यायिक प्रणाली की छिछालेदार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत ने पाकिस्तान के हर झूठ को तथ्यों और तर्क से बेअसर साबित किया है। आज जब शाम को आईसीजी फैसला सुनाएगा तो उसमें पाकिस्तान के न्यायिक स्तंभ पर असर जरूर पड़ेगा। वैसे भी फिलहाल यह मुगल छाप देश खुद ही सवालों के कटघरे में हिचकोले खा रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।